चलिए रुक करते अगली खबर का। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के जनसंख्या असंतुलन के बयान पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि मोहन भागवत समय समय पर कुछ भी कहते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार चुनाव में आरक्षण खत्म करने की बात भी कही थी तो कांग्रेस को मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण की राजनीति करने की बात भी कहते रहते हैं और मदरसों में जाकर लोगों से मिलते रहते हैं। ऐसे में मोहन भागवत क्या कहना चाहते हैं ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये समय समय पर कुछ कुछ कहते रहे हैं। बिहार चुनाव के पहले उन्होंने आरक्षण समाप्त करने की बात कही थी, फिर उसको वापस लिया, फिर वो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों के साथ तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है और खुद मदरसे में चले जाते हैं। खुद मुसलमान वरिष्ठ जो उनके नागरिक हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उन लोगों के साथ बात करने लगते हैं। तो मोहन भागवत जी चाह क्या रहे हैं ये कई बार स्पष्ट नहीं होता।